विशेषताएं INS कलवरी में पिछली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में बेहतर छुपने वाली प्रौद्योगिकी है। ये सटीक निर्देशित हथियारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर हमले भी शुरू कर सकती हैं। इस पनडुब्बी के माध्यम से टारपीडो के साथ एक हमले शुरू किए जा सकते हैं और पानी की सतह पर या नीचे की सतह से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। वो उष्णकटिबंधीय समेत सभी सेटिंग्स में काम कर सकती है, जिसमें नौसेना टास्क फोर्स के विभिन्न घटकों के साथ अंतर क्षमता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों और संचार जगहें हैं। माइन बिछाने, क्षेत्र निगरानी, विरोधी पनडुब्बी युद्ध, खुफिया जानकारी और बहुविध युद्ध गतिविधियों सहित इस गुप्तता वाली पनडुब्बी के माध्यम से कई रक्षा गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। कलवारी को विशेष इस्पात से बनाया जा रहा है और यह उच्च उपज तनाव का सामना कर सकता है क्योंकि इसमें तन्यता ताकत है। इसके अलावा यह उच्च तीव्रता के हाइड्रोस्टैटिक बल का सामना कर सकती है और महासागरों में गहराई से गोता लगा सकती है। ये अटैक पनडुब्बियां डीजल प्रणोदन और अतिरिक्त हवा स्वतंत्र प्रणोदन से सुसज्जित हैं। नए डीजल इलेक्ट्रॉनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का नाम 10 साल पहले पुराने फॉक्सट्रॉट श्रेणी की पनडुब्बियां के अनुसार रखा गया है। फॉक्सट्रॉट श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बियां थीं। INS कलवरी उन 6 पनडुब्बियों में से एक है जिनका सतह और पानी के नीचे सख्ती से 1.5 साल तक परीक्षण किया गया है। इस पनडुब्बी पर तंत्र को सुरक्षा का अनुकूलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO विकासाधीन परमाणु पनडुब्बियों के साथ साथ भविष्य में पारंपरिक नौसेना पनडुब्बियों के संरचित स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। INS कलवरी S-50, INS कलवरी S-50 भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत में हो रहा है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक वाली पनडुब्बी है जिसे DCNS फ्रांसीसी नौसैनिक रक्षा और ऊर्जा कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे मुंबई में माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया गया है। सितंबर 2017 में पहली कलवरी नौसेना को मिली।